नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका MDF सब्लिमेशन जो शीट का कीचेन है, इसको आप कैसे प्रिंट करेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, डायरेक्ट एक अपना सब्लिमेशन पेपर पे प्रिंट आउट निकालना है, और निकालने के बाद में जो आपकी ये शीट है इसके ऊपर इसको आपने इस टाइप से सेट कर देना है। सेट करने के बाद इस पर आप टेपिंग कर दीजिए सब्लिमेशन टेप से। ये टेपिंग करने के बाद में इसका जो टेम्परेचर है 200 डिग्री आपने सेट करना है, और टाइमिंग है इसकी 5 मिनट की लगा देनी है। ये टेम्परेचर अभी मैं 200 सिलेक्ट किया हुआ है इसका, इसकी टाइमिंग सेट कर लेते हैं। साढ़े 5 मिनट लगा देते हैं। अभी टेम्परेचर हमारा 90 डिग्री पे हुआ है। जैसे इसका टेम्परेचर 180 या 170 तक आता है तो भी आप इसको वैक्यूम को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अभी भी स्टार्ट करूँगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप पहले भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कवर के साथ साथ आप इसके अंदर फ्लैट आइटम्स जितनी भी है वो सारी की इजीली बना सकते हैं। उसके लिए बस आपको ये इस पर ये टेपिंग करनी है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिए, ये इसका वैक्यूम प्रॉपर होने लग गया, वैक्यूम टेम्परेचर 103 डिग्री हुआ है अभी, तो भी कोई ख़ास बात नहीं है। प्रॉपर प्रिंट है, इसके लिए आप इसके ऊपर कोई भी मोल्ड भी रख सकते हैं ताकि इस पर वेट बना रहे। ये मैं इसके ऊपर ये रख देता हूँ, अगर ना भी रखोगे तो भी काम चल जाएगा। मैं इसके ऊपर ये रख देता हूँ। रखने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो पूरा आ जाएगा, उसके बाद हम इसकी टाइमिंग स्टार्ट कर देंगे। और इसके किचन के साथ साथ इसके अंदर और काफ़ी आर्टिकल है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आइए, ये देखिए, ये जो फ्रेम है, फ्रेम के जो पार्ट्स हैं वो इसके अंदर कटे हुए हैं। ये वॉच एक्चुअली तैयार होने वाली है, ये देखिए, ये सारे की सारी आप वॉच को भी इसके अंदर प्रिंट कर पाएंगे 3D मशीन के अंदर ही। कोई 5-in-1 अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। अगर आप 5-in-1 मशीन के साथ इसको प्रिंट करेंगे तो उसमें आपकी टाइमिंग कम लगेगी। इसका बेनिफिट ये है, ये सारे का सारा प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट होने के बाद में ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर वो सारे के पोर्शन सारे के सारे इसके अंदर डबल टेप से वो प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट होने के बाद में पेस्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आपकी क्लॉक लग जाएगी, और ये आपका MDF का जो फ्रेम है वो रेडी हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी अलग अलग शेप के जितने भी आप फ्रेम देख रहे हैं, सारे के सारे आप 3D मशीन के अंदर प्रिंट करके डबल टेप से इसको टेपिंग कर सकते हैं, और आप जो अपना MDF फ्रेम है वो तैयार कर सकते हैं, और इसे मैक्सिमम प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये देखिए, टेम्परेचर हमारा पूरा आ चुका है 200 डिग्री पे। अब मैं ये टाइमिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। 5.5 मिनट बाद हमारा जो किचन है वो आपका प्रिंटेड हो गया, आपको तैयार मिलेगा। 5-in-1 मशीन जो मैं बोल रहा था आपको, 5-in-1 मशीन ये वाली मशीन है, इसको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसका जो प्लस पॉइंट है वो देखिए आप। जैसे ही मैं मशीन को ऑन करता हूँ, इसका जो टेम्परेचर है 330 पे आपको सिलेक्ट करना है। अभी ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, बाय डिफॉल्ट ये 224 डिग्री जो टेम्परेचर है वो शो कर रही है। अब ये देखिए, ये ऑटो का ऑप्शन होता है, इसका मतलब क्या है, 330 डिग्री के बाद में ऑटोमेटिकली जो इसकी टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसको मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो आपको मैनुअल इसके टाइमिंग को प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका टाइमिंग काउंट करना स्टार्ट करेगी। सेम इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, या जो पर्सन 16-24 मशीन है वो यूज़ करते हैं उनमें डिफरेंस क्या रहता है। ये जो मशीन है आपकी, ये 330 डिग्री का टेम्परेचर जब आता है तो उसके अंदर आप खुद ही देख लेना, बिल्कुल कम टाइम लगता है, 2-3 मिनट लगते हैं अराउंड। इसके अंदर आपका 10-15 मिनट लग जाता है 200 डिग्री टेम्परेचर आने में। और सेम 16-24 मशीन जो आप यूज़ कर रहे हो, या इन फ्यूचर आप परचेजिंग करने की सोच रहे हो, 16-24 मशीन के अंदर भी बस ये टाइमिंग का जो डिफरेंस है, मेन 15-20 मिनट का जो टाइमिंग है वो हीटिंग होने में लेगी। और ये 5-in-1 मशीन है, ये हीटिंग होने में इतना टाइम नहीं लेती, क्योंकि ये छोटी मशीन है।
सारा काम आप इसके अंदर प्रिंट कर सकते हो, 100 से 200 टी शर्ट, 300 टी शर्ट तक भी आप इसके अंदर कंटिन्यू आप प्रिंट कर सकते हो, इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा। 16-24 जो मशीन है बेसिकली बल्क में प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। जब आपका 1000-1500 टी शर्ट का ऑर्डर होता है और आपको सेम डे बनाना होता है तब आप 16-24 मशीन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मान लो अगर आपका रिटेल का काम है, एक दो टी शर्ट आपको हर 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद अगर प्रिंट करनी होती है तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 5-in-1 मशीन परचेज़ कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो बिजली का बिल है वो कम आएगा, क्योंकि इसका जो वोट पावर होती है वो कम होती है, 16-24 की ज़्यादा होती है। दूसरा जो टाइमिंग है, किसी भी कस्टमर को आपको सेम डे टी शर्ट तैयार करके देनी है विद इन 1 आवर, तो आप इसके अंदर इजीली 8 से 10 टी शर्ट कर सकते हो। टाइम का इंटरवल गैप दे देंगे, अगर आपके पास 4 कस्टमर आ गए 15-15 मिनट के गैप में, तो आप उसको सेम टाइम में आप इसमें जैसे ही आप प्रिंट निकालोगे इतने में आप मशीन का पावर ऑन करोगे और इतने में मशीन आपकी गर्म होगी। आपने 90 सेकेंड मैक्सिमम इसके अंदर टेम्परेचर सॉरी टाइमिंग रखनी है, 90 सेकेंड के अंदर आपकी टी शर्ट तैयार हो जाएगी। ये देखिए 251 डिग्री इसका जो टेम्परेचर है वो अभी तक आ चुका है, 330 आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। 3D मशीन की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है 206 डिग्री, अगर आप इसको 200 डिग्री पे सिलेक्ट करते हैं तो ये 210 डिग्री तक मैक्सिमम जाता है, अगर इसको 170 पे सिलेक्ट करते हैं तो ये मैक्सिमम 180 तक टेम्परेचर को पकड़ता है। जितना आप सेट करेंगे टेम्परेचर को उससे 10 डिग्री फालतू इस मशीन का टेम्परेचर आता है आपका। इसके साथ साथ ये देखिए ये जितने भी आर्टिकल हैं सभी के आपने प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के सेम ये प्रोसीजर जो मैं कर रहा हूँ इसी प्रोसीजर से सारे के सारे ये प्रिंट होंगे। अगर आपके पास 5-in-1 मशीन नहीं है, अभी इन फ्यूचर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपको इसी मशीन से ये वाला काम निकालना है तो ये प्रोसीजर आप अपना के सारा का सारा अपना मटेरियल को प्रिंट कर सकते हैं। उसके साथ अगर मैं मोड की बात करूँ तो ये देखिए आपको अलग अलग टाइप की मोड मिल जाएंगी, अगर आपका जितना बजट है उस बजट के हिसाब से मिल जाएंगी। लो कॉस्ट बजट के अंदर आपने स्टार्ट करना तो लो कॉस्ट बजट के अंदर आपका सेटअप तैयार हो जाएगा। मेन जो फंडा है वो ये है कि आपको लो कॉस्ट बिल्कुल लो कॉस्ट में तैयार करना है तो देखिए उसके अंदर इशू आएगा। मोल्ड का जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ से मेरे पास स्टार्ट हो जाता है, तो कोई कंप्लेन करे कि मेरा जो मोल्ड है वो बैंड हो गया टूट गया तो ये देखिए इसको बेसिकली फिटिंग टून बोलते हैं हम, जिस पर्सन के पास डमीज अवेलेबल नहीं होती कंपनी की, एक बार डमी ले लिया ना। ये देखिए इस टाइप की डमीज होती हैं, ये J8 की डमी है सैमसंग के मोबाइल की, जिन पर्सन के पास ये डमी अवेलेबल नहीं हो पाती फिटिंग चेकिंग करने के लिए तो उन पर्सन को रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी फिटिंग टूल की। अदरवाइज आप ये जो मोल्ड है इस मोड से आप इजीली अपना वर्क कर सकते हैं। और इसके फीडबैक के लिए अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो हमारे कस्टमर हैं सतनाली से, वो आपको रिव्यू देंगे इस चीज़ का। एक बार आइए सर, अभी करंटली लास्ट मंथ ये यहाँ से सेटअप परचेज करके गए हैं और 2-3 जगह ये गए भी हैं, पहले इन्होंने 1-2 जगह सर्वे किया सारी चीज़ों का, उसके बाद इन्होंने जाके मेरे से बात की और फिर मैंने इनको यहाँ बुलाया कि मैं सर एक बार इधर आइए और सारी चीज़ों का आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद अगर आपको समझ आए तो आप लेना, अदरवाइज नहीं। तो एक बार आप फीडबैक की बात करते हैं तो फीडबैक बताइए सर, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा सर, अच्छे मैं काम कर रहा हूँ, ये 100 मॉडल के ऊपर काम कर रहा हूँ, मोबाइल कवर के ऊपर शुरुआत की है। और मोबाइल कवर का अगर बात करें तो अभी इनके पास करंटली अपना 100 कवर का ऑर्डर एक साथ आया है और इससे पहले भी ये काफ़ी कवर प्रिंट करके सेल कर चुके हैं और जो इनकी कॉस्टिंग है वो 200 रुपये का ये सेल कर रहे हैं, देख लीजिए आप सब। तो टाइमिंग मशीन की पूरी हो चुकी है, चेक कर लेते हैं। आप ग्लव्स का यूज़ कीजिए, मैं तो ऐसे निकाल दूंगा इसको। ये देखिए ये जो कीचेन है वो आपका प्रिंट होके तैयार हो चुका है। थैंक यू।